तो मैंने जल्दी से, मुझे कोई समझ नहीं आई, तो मैंने बाजी उज़्मा को कॉल की। मैंने कहा बाजी जी हमजा को करंट लग गया, बस मैंने इतनी बात किया मुझसे। तो बाजी उज़्मा आती है तो फिर उसके पास जाके कह रहा अम्मा आई कि मुझे इधर आई हुई। हमजा के पापा का मोबाइल भी टूट गया है जो उनके हाथ से गिरा है, तो पैनल टूट गया उनका। एकदम से अंदर से आवाज आती है हमजा की चीखने की, तो मैं पहले इतना गोड ऐसे कैसे ऊपर जाता है, इसके ऊपर जाके बैठ जाता है। पहले तकरीबन इसको खोल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो आज के मेरे नए व्लॉग में आप सबका खुश आमदी। तो अभी आया तो परिंदा, मैं देख के खड़ा हुआ तो भाग गया। तो प्लीज अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मैं आया तो ऊपर परिंदों को वादा डालने, तो मैंने कहा आपसे हेलोवाई कर लें। तो फिर इंशाल्लाह दला जो सारे दिन की रूटीन जारी रहेगी। देखिए थोड़ा रहेगा बाहर, पानी गंदा हो गया, पानी गंदा। तो ये पानी चेंज करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? मैं तक इंशाल्लाह आप लोग ठीक होंगे। तो आज जो है बहुत ही बुरी खबर जो है मैंने आप लोगों को सुनानी है, वो क्या है कि कल मैं ना हांडी बना रही थी, तो हांडी बनाते बनाते ना एकदम से अंदर से आवाज आती है हमजा की चीखने की। तो मैं पहले इतना गौर नहीं करती, मैंने कहा ये तो चीखे मारता रहता है। तो जब मैं अंदर गई तो इसको करंट लगा हुआ था, तो मैं जल्दी जल्दी भाग के मैंने स्विच को बंद किया है। तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत ही अल्लाह का शुक्र है कि हमजा जो है हमजा को कुछ नहीं हुआ। तो ये एकदम से तकरीबन ऐसे लेट गया था जैसे पता नहीं ना करे किसको कुछ हो। तो मैंने जल्दी से, मुझे कोई समझ नहीं आई, तो मैंने बाजी उज़्मा को कॉल की। मैंने कहा बाजी जी हमजा को करंट लग गया, बस मैंने इतनी बात किया, मुझसे बात भी नहीं हो पा रही थी। तो बाजी ने भी आगे से फोन बंद कर दिया, तो वो भी फिर भागी भागी आई है। मुझे इतना अंदाजा नहीं था कि वो इतनी जल्दी आ जाएंगी। तो उतनी देर में मैंने हमजा को ऐसे लिटा लिटा के थोड़ा सा थपकी वगैरह दी है, तो ये माशाल्लाह थोड़ा सा ठीक हो गया। तो बाजी उज़्मा आती है तो फिर उसके पास जाके कह रहा अम्मा आई कि मुझे इधर आई हुई है। मुझे नहीं पता था कि मैं इसको अपने पास ही रखा हुआ था, मैंने अपने पास ही, तो मुझे पता ही नहीं चलने दिया इसने कि ये अंदर कब चला गया। ये दरअसल ना ये उधर कबर्ड है ना, उधर अलमारी है, तो उसके ऊपर लीड पड़ी होती है, तो उसके ऊपर ही मैंने ना मोबाइल को चार्जिंग पे लगाया होता है, तो उधर मोबाइल था नहीं, तो इसने लीड को नीचे खींचा है। पहले तो कई दफा तो ये ऊपर जाके बैठ जाता होता है, ऊपर जाके बैठ के उसके ऊपर ऐसी उंगली लगाता है उसके अंदर, स्विच के अंदर, पीछे से तो बटन बंद ही होता है। तो उस दिन पता नहीं मैं मोबाइल चार्जिंग पे मैंने लगाया, तो मैंने चार्जिंग पे मोबाइल लगाया तो मैंने स्विच करना बंद ना जो ऑफ करना भूल गई थी, तो ये जो हमजा है इसने जाके लीड नीचे खींची है, उसके अंदर स्विच के अंदर उसने उंगली ऐसे डाली रखी है, एकदम से इसने चीख लगाई है। पहले मैंने इतना गौर नहीं किया, फिर मैं बाकी गई, मैंने कहा इतनी ज्यादा चीख तो इसने कभी मारी नहीं है, इधर आओ। मैंने कहा इतनी ज्यादा चीख तो इसने कभी मारी नहीं है, क्या क्या हुआ इसको, क्या हुआ हमजा आपको, आई कहाँ भी हुई है, नहीं दिखाई, आई कहाँ हुई है, कह रहा नहीं दिखाने, आज के बाद आपने ऐसे नहीं करना, ठीक है ना, मम्मा को डराना नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको अपने ईमान में रखे। तो और दूसरी जो बात है वो आज मैं आपको बताऊं
के आप लोग दिखाती हूँ कि जहाँ पे हमजा ने रात को शरारत की है। तो पहले तो कभी इसने ऐसे किया नहीं, कटा है लेकिन अंदर जो हाथ लगाने के ना वो बात यानी कि वो नहीं करता, पता नहीं क्या इसको हो गया रात को। तो इसने मैं हांडी बना रही थी तो ये अंदर आया, तो कैसे कैसे ऊपर जाता है, इसके ऊपर जाकर बैठ जाता है। पहले तकरीबन इसको खोलता है ऐसे, फिर इसके ऊपर पाँव रखता है, इधर रखे फिर इधर, फिर इधर, फिर इसके ऊपर बैठ जाता है। तो रात को मैं इस ये ना फिट हुई हुई अंदर ही, अंदर ही फिक्स हुई है। तो इधर से इसका बटन ऑन होता है यहाँ से, तो मोबाइल मैंने चार्जिंग पे लगाया, फिर मोबाइल से मैंने उतार लिया लेकिन बटन ऑफ करना मैं भूल गई थी, तो मुझे पता ही नहीं चला कि वो कब अंदर आया है। और रात को अच्छे इसने ऊपर नहीं बैठा, ये इसने इसको नीचे उतारा, खींचा इसको इधर लटक के नीचे खींचा, इधर रखा है, इधर रख के इसकी अंदर उंगली लगा रहा है, फिर एकदम से इसने चीख लगाई है। फिर जब मैं अंदर आई फिर भागे भागे मैंने बंद किया, तो फिर अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र है कि वो बच इतना नुकसान नहीं हुआ। और हमजा जो अल्लाह ताला के ईमान में है, तो हम सबको अल्लाह ताला अपने ईमान में रखे। तो ये थी इसकी स्टोरी जो मैंने आपको बताई। हमजा के पापा का मोबाइल भी टूट गया जो उनके हाथ से गिरा, तो पैनल टूट गया उनका, तो अब इतने पैसे भी नहीं है कि वो ठीक करवा ले। तो आप जब इकट्ठे होंगे तब जमा होंगे, फिर पैनल ठीक करवाएंगे वो। तो फिलहाल अभी वो वीडियो भी कैसे बनाए अब, तो जब पैसे इकट्ठे होंगे तब भी बनाएंगे। और जबार अभी तक मुझसे नाराज, अभी तक मुझसे बात भी नहीं कर रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ उनके लिए कुछ लाए, यानी कि कुछ मनाने की तरकीब करें कि वो मान जाए, तो अच्छी बात है। तो उनको मनाने के लिए ना कुछ करते हैं। तो आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो तब तक आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हम आपको अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर आप लोग को दिखाया करें। तो आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपको अच्छी सी वीडियो बनाकर दिखाया करेंगे ना। अगर आप लोग हमें देखेंगे नहीं, हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर हम कैसे बनाया, मतलब हम तो अपनी तरफ से अच्छी वीडियो बनाते हैं कि ना, आप लोग नहीं हमें देखते ना ही हमें सपोर्ट करते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखाया करें। और हमजा को जो आज करंट लगा है, अल्लाह ताला इतना अल्लाह ताला का शुक्र है कि इतना कुछ हुआ नहीं। तो अल्लाह ताला हम सबको अपने ईमान में रखे। तो मिलते हैं हम आपको अगले नेक्स्ट व्लॉग। पहुंच गए जी घर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम बताने के सूट से नहीं, टाइम हो गया इधर आ जाए। हम नागू अब सोया हुआ, करंट लग गया था तो किसी सोच बोर्ड में पता नहीं कैसे हाथ डाल दिया इसने, कि मामा ने पता नहीं आगे पीछे हुई हुई थी, जाके ना स्विच बोर्ड के अंदर हाथ डाल दिया इसने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अपना करम किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जान कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई ज़्यादा चोट वगैरह नहीं आई अल्हम्दुलिल्लाह। यार आप देखें, आप मेरा वो लोग देखे नहीं रहे, प्लीज़ यार हमें सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आप सबका हम होना सिर हो, और अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दें, अपने मान में रखें अल्लाह ताला। इंशाल्लाह मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में।
अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।